मैं रूपम कुमारी, सहायक हिंदी शिक्षिका, गांधी स्मारक उच्च विद्यालय प्लस टू स्कूल। आज मैं आप लोगों को विषय हिंदी कक्षा नवम पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन, जिनके लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो बच्चों, आज आप लोगों का अपना पाठ में जो है मेरे बचपन के दिन, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे बचपन का दिन महादेवी वर्मा के बचपन की चर्चा है। तो उस कहानी, उस पाठ को जानने से पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। महादेवी वर्मा जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की कवि हैं, जो छायावाद से संबंध रखती हैं। छायावाद के चार स्तंभ में एक स्तंभ महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ है। उनकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुआ, फिर वह प्रयाग विद्यापीठ महिला विद्यापीठ विद्यालय की प्राचार्या बनी। उनकी साहित्यिक रचनाएं काव्य कृतियां में देखते हैं तो निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा आदि है। फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा रेखाचित्र और संस्मरण लिखा करती थी। तो चल रेखाचित्र और संस्मरण में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ की साथी, श्रृंखला की कड़ियां है, प्रमुख है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी संपूर्ण रचनाएं यामा में संकलित है और यामा के संग्रह पे ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हम चलते हैं महादेवी वर्मा के बचपन के दिन। कहा जाता है कि बचपन को दिन को याद करना एक सुखद स्मृति होता है। उसे याद करना ही एक उत्साह मन में आता है कि हमारा बचपन ऐसा था। महादेवी वर्मा जिस शहर से थी, जिस जगह से थी, वहाँ के लड़कियों का पैदा लेना एक अपराध समझा जाता था और लड़कियाँ जैसे ही जन्म लेती थी उसे परमधाम यानी उसे मृत्यु दे दी जाती थी। तो कई वर्षों तक, कई जनरेशन तक, पीढ़ियों तक लड़कियाँ का पैदा उनके परिवार में या उस जगह पे नहीं हुआ करता था। लेकिन महादेवी वर्मा के पिताजी को एक लड़की चाहिए था, इसके लिए ये दुर्गा पाठ, दुर्गा जी का पूजा किया करती थी और 100 वर्षों के बाद उनके घर में एक कन्या पैदा हुई जिनका नाम रखा गया महादेवी वर्मा। उनके पिताजी बोले कि हम इन्हें विदुषी बनाएंगे। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान, यानी महादेवी वर्मा का शिक्षा दीक्षा इतना ज़्यादा करेंगे कि वो एक विद्वान बनेगी, महादेवी वर्मा के पिताजी का कहना था। उनके पिताजी अंग्रेजी भाषा जानते थे और उनके दादाजी उर्दू भाषा। तो अंग्रेजी और उर्दू सिखाने के लिए महादेवी वर्मा का प्रयास किया गया। उसके लिए उर्दू सिखाने के लिए एक मौलवी साहब को भी बुलाया गया। जब वो उर्दू सिखाने की बात पढ़ाने आते थे मौलवी साहब, तो महादेवी वर्मा अपने टेबल के नीचे घुस जाया करते थे। वो उस भाषा को सीखना नहीं चाहती थी, उस भाषा में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी माता जो हिंदी संस्कृत भाषा अच्छा जानती थी, उन एक आध्यात्मिक महिला थी, उन्हें पूजा पाठ में बहुत मन लगता था, गीता का पाठ किया करती थी। तो महादेवी वर्मा को हिंदी में ही ज़्यादा मन लगा, संस्कृत वो सीखी और सबसे पहले जो महादेवी वर्मा ने पढ़ा है वो पंचतंत्र पढ़ा है। उनकी माताजी ने कहा कि तुम पंचतंत्र पढ़ो, उससे तुम्हारी शिक्षा बढ़े। उन्होंने पंचतंत्र पढ़ा। फिर वो जब 5वीं कक्षा में थी तो उन्हें क्रॉस्ट वेद कॉलेज में, स्कूल में दाखिला दिया गया और जहाँ वो उनकी पढ़ाई शुरू हुई वहाँ पढ़ते पढ़ते उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई, जो एक कवित्री थी। सुभद्रा कुमारी चौहान इनसे 2 क्लास आगे थी, यानी वो 7वीं में थी तो महादेवी वर्मा 5वीं में पढ़ती थी। दोनों में बातचीत होती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जब थी तो उस विद्यालय का वो मॉनिटर हुआ करती थी, छात्र नेता की नायिका हुआ करती थी। एक बार महादेवी वर्मा क्लास में बैठी हुई थी कक्षा में,
और टेबल के नीचे बहुत सारे कविताएं रखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान घूमते घूमते वहाँ उनके पास गई और उससे पूछी, क्या तुम कविताएं लिखती हो? तो महादेव वर्मा ने डर से कह दिया कि नहीं, मैं कविता नहीं लिखती हूँ। फिर जब तलाशी लिया गया तो उनके टेबल के नीचे से बहुत सारी कविताएं लिखी हुई मिली। उसे पकड़कर विद्यालय के प्राचार्य के पास ले जाया गया और बताया गया कि ये कविताएं लिखी थी। खुशी में सबको बोला गया कि ये कविताएं लिखी और फिर दोनों में दोस्ती हुई। जब समय लंच का आता था, नाश्ता का समय, टिफिन का समय होता था, तो वो दोनों एक पेड़ के डाल में बैठ जाती थी जहाँ लड़कियाँ लोग खेलती थी और ये दोनों वहाँ कविताएँ लिखा करते थे। इन लोगों ने कभी कितने कवि सम्मेलनों में भाग लिया। कभी सुभद्रा कुमारी जी जाती, कभी नहीं भी जाती, लेकिन महादेवी वर्मा लगभग सभी कवि सम्मेलनों में भाग लिया। उस समय देश की में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोग अपने जेब खर्चे में से 1-2 रुपया बचा के महात्मा गांधी को दिया करते थे। तो गांधी जी एक बार उनके आश्रय विद्यापीठ में आए, उनके आश्रम में इस विद्यालय में आए, जहाँ पे सभी की अपनी 1-2 रुपया दिया करते थे। महादेवी वर्मा कवि सम्मेलन में जब वो कविता पढ़ी तो उन्हें पुरस्कार के रूप में एक चांदी का कटोरा मिला और वो कटोरा महादेवी जी ने गांधी जी को दिखाया और कहा, मुझे ये कविता में प्रथम पुरस्कार मिला। गांधी जी ने कहा, दिखाओ कैसा कभी कटोरा मिला, और वो कटोरा ले लिए और रख लिए। उसे देश की स्वतंत्रता में पैसों की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए रख ली। महादेवी वर्मा को इस बात का बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का नहीं हुआ कि वो कटोरा ले लिए, महादेवी वर्मा का दुख इस बात का हुआ कि वो मेरी कविताएँ नहीं सुनी और कटोरा को रख लिया। फिर वो छात्रावास में वापस आई, सुभद्रा जी को अपनी कहानी सुनाई। सुभद्रा जी हंसी मजाक में बोली कि आप और कविताएं सुनाओ और कटोरा दिखाओ। उसके बाद उसकी मन को रखने के लिए, उनकी खुशी के लिए सुभद्रा जी ने कहा, आपने कविता कहा प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसके लिए मैं खीर खाऊंगा, अब तुम चांदी के कटोरे में खिलाओ या किसी भी चीज़ में खिलाओ। तो इस ढंग से ये कहानी चलता गया। बचपन के दिन उनका बहुत सुखद स्मृति रहा, वो कहानी बनता रहा। फिर वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में, हिंदी विद्यापीठ में प्राचार्या के पद पे नियुक्त हुई और वहाँ पे वही विद्यार्थी क्रम उनका चलता रहा। महादेवी वर्मा के समय में उनकी स्थिति क्या था कि कन्या को समान अधिकार नहीं था, समान शिक्षा नहीं दी जाती थी, पढ़ाई नहीं मिलती थी, उन्हें समानता का अधिकार नहीं थी। पढ़ने के लिए कुछ उन्हें 4 दीवारी में बंद रहकर समस्त उनका स्वतंत्रता को, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य को छीन लिया जाता था। कई यातनाएं सहने के बाद वो बड़ी होती और घर में रहती और फिर अपने ससुराल जाती। लेकिन महादेवी वर्मा के साथ बिल्कुल विपरीत था। वो पढ़ाई भी की, शिक्षा भी हासिल की, ऊंचे जगह पे काम भी की और अच्छी अच्छी साहित्य रचनाएं की। तो आज हमारे बीच महादेवी वर्मा की पाठ है जिसे हम पढ़ रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं, और आज की लड़कियों की स्थिति भी बिल्कुल स्वतंत्र है। धन्यवाद। आगे की पाठ में फिर